आइए देखिएगा, जो भी दल सिंह सराय वाले भैया सब्सक्राइबर होंगे वो तो अपना पुरानी यादें ताज़ा कर सकते हैं। यही है आरबी कॉलेज, यहाँ की पुरानी हमारी ब्लॉग है, जो कि हम यहाँ कभी आया करते थे रनिंग करने के लिए तो ब्लॉग बनाते थे। आप लोग देख सकते हैं पूरा एकदम सुबह का अभी टाइम है और फिजिकल चल रहा है। आप लोग भी आइए, आप पूरा फिजिकल कीजिए, बॉडी को स्वस्थ रखिए और मज़ा लीजिए भर दिन। हेलो एवरीवन, तो क्या हाल चाल, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। अरे बाल बाल दाढ़ी कटाने के बाद फेस चेंज हो जाता है, सच में। वैसे दाढ़ी रहता है और बाल रहता है, उसके बाद फेस थोड़ा चेंज हो जाता है दाढ़ी कटवाने के बाद। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चैनल यार ग्रो नहीं कर रहा है, वीडियो इधर आके नहीं चल रहा है टोटल। अब मन करता है यूट्यूब छोड़ दे साला, क्योंकि डॉलर पुराने में फट जाता है। जब तक $100 नहीं पूरेगा तब तक समझ रहे हैं भाई कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए पर मंथ जितना डॉलर बनेगा उतना समझ ही होगा। इसीलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, चैनल को जितना हो सके शेयर किया कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर किया कीजिए। लाइक से जो है वीडियो पे इम्प्रेशन बनता है, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो थोड़ा नीचे में कमेंट भी कर दिया कीजिए। अब बाद बाकी आपकी मर्जी, करना है या नहीं करना है बाद बाकी। अभी हम आए हुए हैं अपने गांव, प्रॉपर होम टाउन, कुछ काम था इस वजह से आए हुए थे। मेरा कुछ काम ही है, CISF वाला डॉक्यूमेंटेशन और PET ट्रेड टेस्ट ये सब वगैरह है, तो उसी में आए थे। अभी सुबह सुबह का टाइम है तो ग्राउंड आ गए थे, और कल है जैसा कि उसमें रनिंग भी खोजा जाता है 1600 मीटर। हालांकि टाइमिंग अच्छा है, CISF के लिए आप लोग को बता दें, अगर जो भी भाई फिजिकल देने के लिए जा रहे हैं तो अपना एक एडमिट कार्ड ले लें, और जो भी डॉक्यूमेंटेशन रहता है 10th का मार्कशीट 12th का सर्टिफिकेट और दोनों का दो दो को फोटोकॉपी और ओरिजिनल, ये सारा होना चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आप लोग OBC से हैं तो OBC SDO लेवल का चलेगा। आप लोग बहुत सारे नीचे पीछे भी हुआ था CISF वाला जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें ये ब्लॉक लेवल का था, लेकिन ब्लॉक लेवल वाला वहाँ नहीं चल रहा था, वहाँ जो चल रहा था SDO लेवल का, यानी कि आप लोग को डिस्ट्रिक्ट से जो वेरीफाई होकर बनता है वो बनवाइएगा, तभी जाके एक्सेप्ट हो पाएगा। और आधार कार्ड का फोटोकॉपी और आधार कार्ड ओरिजिनल, मार्कशीट ओरिजिनल, बाद बाकी सब कुछ ठीक ही है। हाइट चेस्ट ये सब तो लिया ही जाएगा भाई, अपन का तो हाइट एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, अपन का हाइट में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है कहीं से। और चेस्ट भी ठीक ठाक ही है, चेस्ट में भी कोई दिक्कत नहीं होने। एक हम देखते हैं जो भी स्टूडेंट जाते हैं वहाँ पर चेस्ट करवाने के लिए, वो लोग मुंडी ऐसे एकदम उठा देते हैं हाइट में, ऐसे करने से हमको लगता है और हाइट घट जाता है। और जितने भी फिजिकल जो ट्रेनिंग करवाते हैं वो सब भी कहते हैं, जो ज़्यादा मुंडी उठा देने से थोड़ा जो है वो हाइट और घट जाता है। इसलिए अपना सारा वेट जो है वो पंजे पे ले लेना चाहिए, पंजे पे लेने के बाद जो है थोड़ा ऑटोमेटिक हाइट जो है ना वो बढ़ जाता है, डरने की कोई बात है नहीं। और अभी जैसा कि ITPP वाला भी फिजिकल चल रहा है, उसका भी सब जगह हो रहा है, यही सब था, तो सोचिए आप लोग को यहाँ से ब्लॉग दिखा दें। वैसा मेरा कोई यहाँ मतलब ब्लॉग बनाने का कोई इरादा होता नहीं, वो ऑटोमेटिक कभी आते हैं तो कभी बना लेते हैं, बाद बाकी इस साइड का जो एरिया है थोड़ा अजीब टाइप का लगता है, इसलिए हम ज़्यादा गांव में ब्लॉग करते नहीं। बाद बाकी आप लोग को पटना का ब्लॉग आप लोग को बहुत सारा देखने के लिए मिलेगा, उस पर आप लोगों ने काफ़ी सारा प्यार भी दिया है, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, अच्छा लगता है वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, और ये शुरू से ही हमको अच्छा लगता है किसी से अदर से बात ना करके या इधर उधर में ज़्यादा टाइम ना देके, और जो भी टाइम बचे तो थंबनेल बनाए, अट्रैक्टिव थंबनेल हुआ, अट्रैक्टिव वीडियो एडिटिंग हुआ, ये सारा कुछ करे, ये हमको शुरू से ही मतलब हॉबी है। बाद में की तो आप जानते ही हैं, सोच रहे यूट्यूब करियर भी अच्छा है, अभी इस डिजिटल युग में यूट्यूब करियर भी काफ़ी अच्छा है, ग्रो भी हो रहा है, और बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो ग्रो भी कर रहे हैं, और छोटी सी जगह पर, उसको बोलते हैं ना अर्श से फर्श पर पहुँचना, वो लगभग अर्श से जो है फर्श पे पहुंच जाते हैं। इसीलिए डिजिटल मोदी जी देख रहे हैं कितना डिजिटलाइजेशन की ओर लेकर जा रहे हैं भाई, हर एक चीज़ में एकदम डिजिटल है। बाथरूम में जाते हैं भाई, स्कैन कर पैसा दे दे देते हैं, अब क्या चाहिए, यही सब है। तो इसलिए यूट्यूब भी सोच रहे हैं नहीं छोड़ें, साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है स्टडी छोड़ ही दिए हैं। जिस दिन छोड़ देंगे तो उस दिन पूरा एकदम यूट्यूब करियर पर ही ध्यान देंगे, एक साल के अंदर चैनल ग्रो करके बताएंगे और अच्छा अर्निंग करके बताएंगे, एक साल के अंदर हम गारंटी देते हैं।
उससे पहले चैनल स्टार्ट किए तो कुछ नॉलेज नहीं था, जो कैसे चैनल ग्रो करना है, नहीं करना है, कैसे वीडियो वायरल करना है, क्या होता है टैग, क्या होता है डिस्क्रिप्शन, क्या होता है टाइटल, ये सब कुछ नहीं बनाना आता था, थंबनेल भी नहीं बनाना आता था। अब तो इतना कुछ इम्प्रूवमेंट हो गया आज भाई, गर्दा उड़ा के रख देंगे, समझ रहे हैं ना भाई, यही है। अच्छा लगता है वीडियो बनाना, इसीलिए अच्छा लगता है। अभी सुबह का टाइम थे, मॉर्निंग वर्कआउट जो है कर लिए हैं, कल है रनिंग, तो आप थोड़ा पैर का थोड़ा जो है दे दिए, बाद बाकी रनिंग का टाइम जो है काफ़ी अच्छा टाइम है, उतना हम टाइम मार देंगे, हम कंफर्म है। हाँ, उतना टाइम के अंदर मेरा हो, उससे पहले ही हम 1600 मीटर मार देते थे, वहाँ तो 30 सेकंड ज़्यादा ही दिया जा रहा, उतना टाइम में मार देंगे कन्फर्म। बाद बाकी डॉक्यूमेंट में सारा कुछ है। अब हाँ, एक और सरप्राइज़ है आप लोग के लिए, कुछ दिन में जो है वीडियो काफ़ी अच्छा अच्छा आने वाला है, हम कहीं जा रहे हैं दूसरे स्टेट, वो भी दूसरे स्टेट में बोल सकते हैं आप लोग, नॉर्थ ईस्ट, यस नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं, यानी कि ब्लॉग काफ़ी अच्छा अच्छा आने वाला है, तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थोड़ा बहुत ये भी दिक्कत है जो अभी सिर्फ हम फ़ोन से ही ब्लॉग शूटिंग करते हैं, ना ही मेरे पास कैमरा है, और ट्राइपॉड तो है और एक माइक था, उसका माइक का जो होता है OTG लगाने वाला, वो भी खो गया, कहाँ खो गया, कहीं गिर गया, पता नहीं। थोड़ा बहुत इक्विपमेंट का कमी है, लेकिन जैसे होगा फ़ोन से ही शूटिंग करेंगे और ब्लॉग तो ज़रूर बनाएंगे। जब जा रहे हैं किसी काम से ही जा रहे हैं, तो जाते जाते क्यों ना ब्लॉग भी बनाया जाए। आप लोग अगर ब्लॉग आप लोग देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। बाद बाकी अभी घर पर तो ज़्यादा ब्लॉग करेंगे नहीं, जानते हैं घर पर नहीं करते हैं ज़्यादा ब्लॉग, सब माहौल का दोष होता है, माहौल यहाँ नहीं है उतना, जो हम यहाँ भी ब्लॉग शूट, हालांकि होली वाला ब्लॉग शूट किए थे तो आधा आधी, मतलब अधिक लोग को पता चल गया, जो ये अपना यूट्यूब चैनल भी चलाता है, ब्लॉग भी बनाता है, वीडियो भी बनाता है। खैर देखिए, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।